Hello, welcome to the new video of chapter number 3. In today's video, we are going to see cell. What do you mean by cell? What do you mean by EMF and their internal resistance? Okay, so let's try to understand. We have different type of cells, dry cell, chemical cell. Okay, how it is work, that is important. And in that cell we have one simple force. That force we are going to see over here. Okay, EMF, it is stands for electromotive force. For that, over here let's consider one vessel. In vessel we have one chemical solution. In this chemical solution, basically in physics, considered as a electrolyte. Okay, now let's try to understand. Over here, due to chemical reaction, ions are separated. Okay, and while ions are separated, so positive ion moving towards negative electrode and negative ion moving towards positive electrode. Okay, while it is reaching on over here on electrode, on respective electrode, it is moving in terms of charges. Okay, for example, suppose we have a solution of NaCl. In that case, Na and Cl are separated. So Na becomes positive ion and Cl becomes negative ion. Okay, we have this type of, we have many examples. H2SO4 you can consider, HCl you can consider. Okay, so these are nothing but it is electrolyte, while it is act as a electrolyte. Okay, so this is the simple case. Now suppose positive ion are moving over here, in that vessel materials are present and material offer some resistance. जैसे आप लोग हवा की डायरेक्शन में चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हवा एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको चलने में दिक्कत आती है. ओके, तो वो दिक्कत क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है. ओके, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद सच डेंसिटी. अब आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे तो क्या होगा, मटेरियल की वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस लगता है. ओके, एंड दैट रेजिस्टेंस ऑफर बाय द सॉल्यूशन which is known as internal resistance. Okay, अब external resistance के बारे में भी हम देखेंगे. उससे पहले देखते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे तो दे आर लूजिंग देयर चार्जेस, और वो चार्जेस वन बाय वन यहाँ से फ्लो होंगे इन टर्म्स ऑफ करंट, और वो यहाँ से जैसे करंट फ्लो करेंगे तो वही हमें चाहिए. ओके, और करंट को हम अलग अलग पोजिशन में यूज़ कर सकते हैं. राइट, अब देखते हैं थियरी, हाउ टू सॉल्व इट. इन दिस इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड्स आर पार्शियली टिप्ड. ओके, वन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव इंडिकेट बाय पी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉड इज इंडिकेट एज एन नेगेटिव इलेक्ट्रॉड. इलेक्ट्रॉड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वॉट एवर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर जो भी चेंज होगा वो आपको पता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे. नाउ यहाँ पर चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव बने, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. वट एवर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ओवर हियर बिटवीन इलेक्ट्रोड ए एंड इलेक्ट्रोलाइट इज वी प्लस, बराबर वी प्लस इज ग्रेटर देन जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस वॉट एवर क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दैट वी आर कंसिडरिंग एज एज अ वी माइनस, वी माइनस इज लेस देन जीरो. वेन करंट इज नॉट फ्लोइंग, अब समझो कि भाई यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, बराबर मतलब सब इक्वल है. ओके, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर. तो पोटेंशियल ड्रिफ्ट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नथिंग बट इट इज़ वी प्लस माइनस वी माइनस. ओके, तो ओवर हियर वी प्लस प्लस वी माइनस, यानी कि वी वन प्लस वी टू भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी प्लस एंड वी माइनस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगा, इसको फ्लो ही नहीं होने देगा. ठीक है, मतलब इसको हम इंडिकेट करेंगे बाय एप्साइलॉन. ओके, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ वी प्लस प्लस वी माइनस एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. अब देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन.
और ट्राई करेंगे कि हम रिलेशन फाइंड करें, कौन सा, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों तीन चीज़ क्या होती है। आपको सेल समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझ में आ गया, ईएमएफ जरा एक बार वापस समझा देता हूँ। देखिए एक ड्राई सेल है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो देखिए ये एक ड्राई सेल है, ड्राई सेल यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस है और यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव नंबर ऑफ आयंस। आपने जैसे कोई सेल देखा होगा जो रिमोट में यूज़ होता है, क्लॉक में यूज़ होता है, वो सेल निकाल के देखिए तो वो सेल आपको इस तरह मिलेगा। ये जो पोर्शन होगा दैट इज नोन एज पॉजिटिव पोर्शन एंड द बॉटम वन इज नोन एज नेगेटिव पोर्शन। अगर इसको तोड़ोगे तो अंदर आपको मटीरियल्स मिलेंगे, बराबर, और वो मटेरियल नथिंग बट इट इज़ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्जेस डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते, ओके, व्हाई इट इज़ नॉट डायरेक्टली रीचिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इंस्टेड इट इज़ मूविंग फ्रॉम एक्सटर्नल पैरामीटर्स, बराबर। अगर ये एक्सटर्नल सर्किट चालू कर दी और यहाँ पर हमने एक सिंपल सा बल्ब लगा दिया तो आप देखते होंगे कि ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, बराबर, और जैसे ही हम इसको ब्रेक करोगे तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है, राइट। मतलब यहाँ पर जो है वो चार्जेस यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली देखा जाए तो, मतलब ओके। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ से यहाँ सीधे सीधा क्यों नहीं जाता, तो उसका रीज़न है कि मटेरियल के अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ओके, वो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल पर स्टिक करेगा, मतलब उसको यहीं पर रहना पड़ेगा, किसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का। अब कुदरत ऐसा बोलती है कि भाई पॉजिटिव मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नली एक सर्किट बना दी, एक्सटर्नल सर्किट बना दी तो क्या होगा कि ये जो चार्जेस है वो यहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुँच गए। अगर अब जैसे हम सर्किट यहाँ से निकाल देते हैं तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नहीं पहुँचेंगे, उसका रीज़न क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, बराबर। नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करेगा तो इसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज़ उसकी जो एनर्जी होगी वो इससे ज़्यादा होगी, कौन किससे, तो चार्जेस के कंपेरिजन में वो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर डायरेक्टली नहीं जाते। हाँ, और उसके लिए यहाँ पर जो काम करता है आर, इट इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। अब ये आर यहाँ पर जॉइंट है आर, तो इट इज़ इंडिकेट एज ए कैपिटल आर एंड उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्योंकि वो बाहर से लगाया गया है, ठीक है। अब मटेरियल जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो उसका आंसर है मटेरियल जो होगा यहाँ पर मटेरियल ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि कोई चार्जेस ऐसे मिलेंगे आपको जिसकी एनर्जी जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है उससे भी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि भाई एक चार्ज यहाँ पहुँच गया न्यूट्रल हो गया, अब सेकेंड चार्ज अगर उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो गई तो वो न्यूट्रल हो जाए, यानी पहुँचेगा नेगेटिव टर्मिनल पर तो वो भी न्यूट्रल हो जाता है। ये क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए देखा होगा कि अगर कोई सेल लेके आओ तो वो डिस्चार्ज होने में उसको टाइम लगता है। अगर आपने ऐसा ही पड़ा रखा 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने या तो 1-2 साल के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसका रीज़न ये है कि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो पावर होगा वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे चार्जेस एक वन बाय वन यहाँ मूव होते जाएंगे और फिर उसकी जो सेल्फ लाइफ होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बराबर। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज़ इंडिकेट बाई एप्सिलॉन, ओके, और उसको बोला जाता है एप्सिलॉन इक्वल टू दिस, राइट। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ है व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स then energy gained by the charge is called EMF of the cell।
ओके रिमेंबर ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है बट वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है. उसकी भी मेजरमेंट की प्रोसेस है वो अलग तरीके से, वो पीछे जाके हम देखेंगे. अब देखेंगे कि भाई यहाँ देखते हैं थियरी में क्या है. तो कंसिडर रेजिस्टेंस आया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ दिखाया और यहाँ पर भी दिखाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, करंट आई फ्लो फ्रॉम सी टू डी. तो करंट आई फ्लो होगा फ्रॉम सी टू डी. ओके एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव. ओके इन इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करंट फ्लो. स्टडी करंट फ्लो मंथ मतलब क्या होगा, पर यूनिट टाइम वॉट एवर करंट इज फ्लोइंग विच इज कॉन्स्टेंट फ्री फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इन रेजिस्टेंस करंट फ्लो फ्रॉम इट. ओके तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे. एज पर ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर होगा. ठीक है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर. तो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो वी अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू आंसर मिलेगा जीरो. मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट यानी नो करंट इज फ्लोइंग. ओके अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल. मतलब पी और एल के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. तो वो दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी आर कंसिडरिंग एज अ वी. ओके तो वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके ए एंड बी एंड प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड एन. क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं स्टार्ट होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस पास होने स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. उसको हम इस पोजीशन में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन दैट वी हैव टू कंसीडर एज अ वी प्लस. ऑलरेडी हमने पीछे देखा बिटवीन ए एंड बी दैट वी हैव टू कंसीडर एज अ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इक्वल टू आई आर. ओके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ए एंड बी के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा. दैट इंटरनल रेजिस्टेंस वी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर. ओके तो स्मॉल आर हमने कंसिडर किया, वी इक्वल टू आई आर के फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म है. प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड एन उसको हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है पी माइनस. अब इसको सॉर्ट आउट करो तो आपको मिलेगा वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस आई आर. ओके बट एप्साइलॉन इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस आई आर हमने इक्वेशन नंबर वन में ऑलरेडी देख चुके हैं. तो वो सीधे सीधा हम लिखेंगे एप्साइलॉन के फॉर्म में. तो एप्साइलॉन माइनस आई आर यहाँ पर सीधे सीधा इक्वेशन मिल जाएगा. वेयर स्मॉल आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ऑल्सो नोन एज सेल. अगर ओपन सर्किट कंडीशन हुई, ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब क्या होगा, आर करंट आई इक्वल टू जीरो होगा और सपोज आर इक्वल टू जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी. तो हमें सीधे सीधा वी इक्वल टू एप्सिलॉन मिलता है. ओके बट ऐसा कभी नहीं होगा रिमेंबर. ओके अब इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट जो फ्लो होगा उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं वो देखें. तो करंट आई फ्लो थ्रू आर. ओके पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब क्या है सिचुएशन, अब करंट फ्लो हो रहा है तब क्या सिचुएशन है वो देखते हैं. तो बिटवीन टू एंड्स हमें इक्वेशन मिलता है वी इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को सीधे सीधा कंपेयर करें तो आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर बनेगा और आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. ओके तो ये इक्वेशन मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. ओके अगर आर इक्वल टू जीरो कर दे तो आई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर. तो ये वैल्यू हमें ईएमएफ की मिलती है. अब सीधे सीधा बोले तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट. तो ये इक्वेशन हम वैलिड गिनेंगे और इसी इक्वेशन पर हम आगे बढ़ेंगे. तो रिमेंबर ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके. तो याद रखना ये थियोरी को. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको थियोरी समझ में आई होगी. ओके अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.